गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए महापौर सीताराम जायसवाल सहित महानगर के पार्षदों ने नगर निगम के सदन हॉल में पहुंचकर मतदान किया, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए नगर निगम के सदन हॉल में VIP बूथ बनाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सदर सांसद रवि किशन, राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, विधायक विपिन सिंह व मेरे द्वारा स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए मतदान किया गया है। उन्होंने कहा, नगर निगम के सदन हॉल में सुबह 8 बजे से ही मतदान चल रहा है और उम्मीद है कि गोरखपुर महाराजगंज के भाजपा के प्रत्याशी CP चंद्र भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। इससे पहले भाजपा के पास विधान परिषद सदस्यों की संख्या कम थी, जिससे विधान परिषद में काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सभी सीटों पर चुनाव जीतकर भाजपा की संख्या ज्यादा हो जाएगी, जिससे विधान परिषद में काम करने में आसानी होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर निगम के पार्षदों, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है, मैं शाहपुर से लगातार 5 बार से पार्षद हूँ। विकास मुद्दों को लेकर हम लोग डाले हैं, हम लोग सारे लोग BJP के पार्षद हैं और हम लोग योगी जी महाराज जी और माननीय सांसद रवि किशन जी भी यहाँ पर आए और शिव प्रताप शुक्ला जी राज्यसभा सदस्य भी आए। सारे लोगों के हम लोग लाइन में लगकर सारे लोगों ने मत दिया है और CP चंद को भारी मतों से हम लोग यहाँ गोरखपुर मंडल से चुनाव जिता रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। आज जो है मुझे चुनाव का जो मतदान हुआ है, पूज्य महाराज जी की सरकार में जिस हिसाब से सुशासन और विकास के कार्य जो कराए जा रहे हैं, इसको देखते हुए हम लोग अपने गोरखपुर महाराजगंज के जो सुयोग्य प्रत्याशी CP चंद जी के पक्ष में वोट किए हैं कि हम लोगों की जो यहाँ की लोकल की जो समस्याएं हैं वो जाकर के उच्च सदन में उसको व्यवस्थित ढंग से विस्तारण करने का कार्य करेंगे। वार्ड नंबर 32 माधोपुर, रामलोट निषाद, वार्ड नंबर 15 गोपालपुर। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग मतदान विकास के लिए माननीय CP चंद को भाजपा प्रत्याशी को मतदान किए हैं विकास के लिए। किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान जी? विकास के लिए। हम चंद्र प्रकाश सिंह पार्षद महेश्वर तो चुनाव के लिए मतदान वापस किया, क्या करना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर? भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है, ऊपर से नीचे तक केंद्र में हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार, यहाँ पे हमारे 9 विधानसभाओं में हम भाजपा के प्रत्याशी विजय हुए और उसी क्रम में हम एक और कड़ी जोड़ना चाहते हैं, जो हमारे MLC के प्रत्याशी CP चंद जी हैं, उनको भी भारी मतों से विजयी बनाने के लिए हम लोगों ने मतदान किया है और आशा करते हैं कि परिणाम हमारे पक्ष में होगा। आज हम लोगों के इस बूथ पर एक अलग माहौल था और वो माहौल काफ़ी खुशनुमा था। सभी माननीय पार्षदगण और माननीय विधायकगण, सांसदगण, ये सभी लोग पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करने आए थे। लोकतंत्र के इस महापर्व में एक अलग उत्साह इसलिए था क्योंकि आज हम लोगों के इस बूथ पर पूज्य महाराज जी भी मतदाता हैं और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, इसलिए हर्षोल्लास के साथ सभी पार्षदों ने अपने मतों का प्रयोग किया है। अभी एक घंटे के अंदर अंदर लगभग 50% से ज़्यादा मत यहाँ पड़ चुके हैं। ये एक उल्लास और लोकतंत्र के पर्व का मिसाल है और हम लोग यह चाहते हैं कि इस तरह ही लोकतंत्र के इस पर्व को मनाया जाए और अपने मतों का प्रयोग सभी लोग करें। गोरखपुर नगर निगम के अंदर VIP वार्ड, VIP बूथ बनाया गया है। इसका कारण है कि सदन के हमारे मेंबर के रूप में मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर वोट डालेंगे। ये मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है और यहाँ पर हमारे पार्षद, MP भी हमारे
बोर्ड के मेंबर हैं। आज महाराज जी ने मुख्यमंत्री के हैसियत से और यहाँ के बोर्ड के मेंबर के हैसियत से सुबह 8 बजे यहाँ पर अपना मतदान किया है। उनके साथ हमारे विधायक विपिन सिंह, हमारे एमपी, हमारे राज्यसभा के एमपी श्री प्रताप शुक्ल जी और आपके स्थानीय एमपी ने भी वोट डाला और हमारे उपसभापति ने, हमारे सभी पार्षदों ने, यहाँ पर मतदान अभी चल ही रहा है। हमें उम्मीद है कि सिप्पी चंद जी भारी संख्या से गोरखपुर और महाराजगंज क्षेत्र से विजयी होंगे। मुख्यमंत्री जी का कहना है 4 दशकों से विपक्ष की सरकार थी, विधान परिषद में हमारी संख्या बहुत कम थी, जिससे कारण जनहित के कार्यों में काफ़ी दिक्कतें आती थी और समय पर नहीं होता था। अब हमारे विधान परिषद में भारी संख्या में जनप्रतिनिधि जाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में 27 स्थानों पर विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, जिसमें हमें पूरी उम्मीद है कि 2700 विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। 9 हम ऑलरेडी निर्विरोध जीत चुके हैं। आज अष्टमी का त्यौहार है, पूरे देश में नवरात्रि मनाई जा रही है। मैं इस शुभ अवसर पर मैं शहरवासियों को भगवान राम के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।